दोस्तों पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म में जॉनी डेप के द्वारा निभाया गया कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार दुनिया के सबसे फेमस फिल्मी कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने मजेदार अंदाज से न सिर्फ लोगों के दिलों को जीतता है बल्कि सबके दिल में अपनी एक खास जगह भी बना लेता है। अब ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर पूरी तरह से फिक्शनल यानी कि काल्पनिक है, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास में एक ऐसा समुद्री लुटेरा भी था जिसकी बहुत सी बातें फिल्म में दिखाए गए कैप्टन जैक स्पैरो से पूरी तरह से मेल खाती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग इस लुटेरे को दुनिया का असली जैक स्पैरो का कर भी बुलाते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं कि आखिर यह लुटेरा कौन था और क्यों आज इसको रियल जैक स्पैरो कहा जाता है। दोस्तों 16 और 17वीं सदी के दौरान दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और चालाक समुद्री लुटेरा हुआ करता था जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। कहा जाता है कि समुद्र के जिस हिस्से में इस लुटेरे का बसेरा हुआ करता था वहां से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि एक बार जो जहाज इसके इलाके में पहुंच जाता था वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना खतरनाक समुद्री लुटेरा होने के बावजूद भी यह अचानक इस्लाम धर्म को अपनाकर मुसलमान बन गया था और फिर इसके बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। असल में जिस लुटेरे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था जैक वॉन, जो कि सन 1553 में इंग्लैंड के फेवरशम टाउन में पैदा हुआ था। इस टाउन के समुद्र तट पर बसा होने के चलते यहाँ पर मुख्य रूप से मछुआरे ही बसा करते थे और इस इलाके के दूसरे लोगों की तरह ही जैक ने भी अपना शुरुआती जीवन मछलियाँ पकड़ने और उनके पालन में बिताया था। जैक ने मछलियाँ पकड़ने के लिए बचपन से ही समुद्र की लंबी लंबी यात्राएं करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते वह बहुत कम उम्र में ही जहाजों को चलाने का एक्सपर्ट बन गया था। बताया जाता है कि इंग्लैंड के इस टाउन के अंदर बहुत से समुद्री लुटेरा भी रहा करते थे और उनकी संगत में ही आकर जैक भी बड़ा होते होते एक शातिर लुटेरा बन चुका था। आगे चलकर साल 1588 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ वन से अनुमति लेकर जैक इंग्लैंड के लिए प्राइवेटियर के तौर पर काम करने लगा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेटियर उस शख्स को कहा जाता था जिसको युद्ध में सरकार के लिए दुश्मनों के जहाजों को लूटने और बर्बाद करने का काम सौंपा जाता था। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जैक एक ऐसा समुद्री लुटेरा बन गया था जिसको सरकार की तरफ से लूटपाट करने की पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। असल में उन दिनों इंग्लैंड और स्पेन के समुद्री जहाजों के बीच में एक युद्ध चल रहा था और इसी के चलते इंग्लैंड सरकार के द्वारा जैक को स्पेन के जहाजों को लूटने और बर्बाद करने का यह काम सौंपा गया था। साथ ही जैक व उसके साथियों को यह सब करने के लिए बड़े बड़े जंगी जहाज भी इंग्लैंड के सरकार के द्वारा ही दिए गए थे। यह काम मिलने के बाद से जैक ने इतनी लूटपाट की थी कि उसके नाम का आतंक पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंग्लैंड इस युद्ध में स्पेन के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाया था और चूंकि लंबे समय से चल रही इस लड़ाई में इंग्लैंड को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा था, इसीलिए 1603 में इंग्लैंड के राजा जेम्स वन ने सत्ता में आते ही इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपने सभी प्राइवेटियर्स को भी वापस आने का हुक्म दे दिया था। राजा का आदेश मिलते ही सभी लोग अपने अपने जहाज लेकर इंग्लैंड वापस लौट गए, लेकिन इसके साथ ही इन लोगों में बहुत से प्राइवेटियर्स ऐसे भी थे जिनको अब उसी लूटपाट वाली जिंदगी की आदत लग चुकी थी, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड वापस लौटने से साफ इनकार करके अपनी लूटपाट को उसी तरह जारी रखने का फैसला लिया। और दोस्तों राजा का हुक्म न मानने पर ये लोग इंग्लैंड सरकार के नजर में दुश्मन लुटेरे बन गए थे, जिसमें कि कैप्टन जैक और उसके बहुत से साथी भी शामिल थे। जैक के ऊपर सरकार की अब कोई भी पाबंदी नहीं थी, इसीलिए अब वह जैसे चाहे लूटपाट कर सकता था। सरकार की पाबंदी हटते ही जैक ने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया जिसमें कि उसने बहुत से लुटेरों और उनके जंगी जहाजों को शामिल किया और ये ग्रुप बनते ही उसने समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से में लूटपाट करना शुरू कर दिया था। यही वो समय था जब जैक एक आजाद और खतरनाक समुद्री लुटेरे के रूप में पूरी दुनिया के अंदर ही फेमस हो गया था और उन दिनों लोग उसको जैक बर्डी कहकर बुलाने लगे थे। दरअसल वो माल ले जाने वाले बड़े बड़े जहाजों को लूटा करता था, जिसके चलते लोग इसके इलाके में घुसने से ही घबराने लगे थे। समुद्र में सफर करने वाले लोगों के दिल में उसके नाम की एक अलग ही दहशत बैठ गई थी। यहाँ तक कि लोग प्रार्थना करते थे कि उनका सामना जैक बर्टी से कभी ना हो। जैक ने जब इटली के समुद्री इलाकों को अपना निशाना बनाना शुरू किया तो इन हमलों के दौरान उसकी मुलाकात
यूनिश के एक मुस्लिम तुर्क अधिकारी उस्मान डे से हुई और इस मुलाकात के होने के सिर्फ कुछ समय बाद ही इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अब इस दोस्ती की खातिर ही उस्मान डे ने जैक को ट्यूनिश के अपने समुद्री अड्डों को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी थी। दरअसल ये अड्डे मिल जाने की वजह से ही जैक के लिए इटली के जहाज़ों पर हमला करना बहुत आसान हो गया था। कई साल लगातार इसी तरह से लूटपाट करने के बाद से आखिरकार एक दिन जैक के मन में वापस घर लौटने का ख्याल आया, लेकिन अब उसका घर वापस जाना इतना आसान नहीं था जितना कि उसने सोचा था, क्योंकि इंग्लैंड सरकार की नज़र में वह एक वांटेड अपराधी बन चुका था। जैक ने अपनी फैमिली के पास वापस इंग्लैंड लौटने के लिए किंग जेम्स को अपना एक माफीनामा भी लिखकर भेजा, लेकिन राजा जेम्स ने उसको माफ़ करने और इंग्लैंड वापस लौटने की अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कि अब वह एक ऐसा लुटेरा बन गया था जिसके पास अपना कोई घर तक नहीं था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब उसको इंग्लैंड वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया तो फिर मजबूरी में उसको अपने दोस्त उस्मान डे से मदद मांगनी पड़ी, और उस्मान ने अपने दोस्त जैक की मदद करते हुए ना सिर्फ उसको ट्यूनिश में पनाह दी बल्कि उसके सभी अपराधों को माफ़ करके उसे ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने का मौका भी दे दिया। जैक यह बात अच्छी तरह से जानता था कि लाइफ में दूसरा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, इसीलिए वो चोरी डकैती और लूटपाट जैसे गलत कामों को छोड़कर ट्यूनिश में एक आम इंसान की तरह रहने लगा। तुर्क साम्राज्य और ट्यूनिश के लोगों ने एक समुद्री लुटेरा होते हुए भी जिस तरह से जैक को अपनाया और माफ़ कर दिया था उसका जैक के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा, और इसी के चलते उसने ट्यूनिश में अपनी ज़िंदगी शुरू करने के कुछ समय बाद ही अपने पूरे ग्रुप के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद से उसने अपना नाम जैक वार्ड से बदलकर यूसुफ रईस रख लिया, और साथ ही उसने इटली की एक औरत से शादी भी कर ली। वैसे यह शादी जैक की दूसरी शादी थी क्योंकि इससे पहले वह इंग्लैंड में भी शादी कर चुका था, और दोस्तों बताया जाता है कि दूसरी शादी करने के बाद भी वह ज़िंदगी भर अपनी पहली पत्नी को पैसे भेजता रहा, जबकि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद से उसने बाकी की अपनी पूरी ज़िंदगी तुर्क साम्राज्य की समुद्री फौज में काम करते हुए बिताई। जैक के इस तरह से तुर्क सेना में शामिल होने और इस्लाम धर्म को अपनाने की खबर इंग्लैंड के अंदर साल 1610 में पहुंची थी, और इंग्लैंड के राजा जेम्स को जब इस बात की खबर मिली तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लुटेरा अभी कुछ साल पहले अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा था वो दुश्मनों की फौज में ही शामिल होकर उल्टा उन्हीं के लिए मुश्किलें पैदा करने लगेगा। और दोस्तों साल 1612 में फेमस अंग्रेजी नाटककार रॉबर्ट डॉर्बन के द्वारा जैक के इस्लाम धर्म को कबूल करने और तुर्क सेना में शामिल होने पर अ क्रिश्चियन टर्न तुर्क नाम का एक नाटक भी लिखा गया था, जिसमें कि जैक से जुड़ी हुई हर एक बात को बेहद बारीकी से बताया गया है। साथ ही बताया जाता है कि जैक को छोटे आकार के चिड़ियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जिसके चलते ट्यूनिश लोग उसको जैक असफुर कहकर बुलाने लगे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असफुर अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अंग्रेजी मतलब स्पैरो होता है, और दोस्तों लोग कहते हैं कि यहीं से जैक वार्ड का नाम जैक स्पैरो पड़ गया था, जिसको कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया है। लोगों का मानना है कि जैक वार्ड के अंदर ऐसी बहुत सी आदतें और खूबियाँ थी जो कि हमें कैप्टन जैक स्पैरो के कैरेक्टर में भी देखने को मिलती हैं, और यही वजह है कि आज बहुत से लोग इस कैरेक्टर को जैक वार्ड से जोड़ते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर सच में जैक वार्ड से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।